इस मरतबा मानसून के निर्धारित समय से 4 दिन पहले प्रदेश में दस्तक देने से कृषि विशेषज्ञ इसे धान व मक्की की फसल के लिए बेहतर करार दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन दिनों धान की रोपाई का कार्य चल रहा है, ऐसे में किसान रोपाई के 3 से 4 दिन बाद खरपतवार कंट्रोल के लिए कदम उठाएं, जिससे कि फसल अच्छी हो, लेकिन इसके लिए नियमानुसार दवाई का छिड़काव किया जाना जरूरी है। उधर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में मक्की की खेतों में पानी खड़ा न हो पाए, इसके लिए किसानों को पानी निकासी की उचित व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा सड़न रोग का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे मक्की की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। गौरतलब है कि जिला कांगड़ा में 36,000 हेक्टेयर एरिया में धान की खेती होती है। मंडी में 19,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती होती है। दोनों जिलों में 70% से ज्यादा धान की रोपाई हो चुकी है। धान के खेतों में खरपतवार कंट्रोल के लिए रोपाई के बाद 3 से 4 दिन के बाद बूटा क्लोर की 3 लीटर दवाई लेकर 750 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। छिड़काव के दौरान ये ध्यान रखें कि पानी की मात्रा खेतों में रहे, जिससे कि पौधा 3/3 पानी में डूबा रहे, तभी दवाई खरपतवार पर असर करती है। अतिरिक्त कृषि निदेशक नरेंद्र धीमान ने कहा कि इस बार मानसून निर्धारित समय से 4 दिन पहले आया है, जो कि धान व मक्की की फसल के लिए बेहतर है। किसान धान की रोपाई के 3 से 4 दिन बाद खरपतवार कंट्रोल के लिए दवाई का छिड़काव करें। वहीं मक्की के खेतों में आगामी 4-5 दिनों में अधिक बारिश होने की संभावना के चलते पानी निकासी की उचित व्यवस्था करें, जिससे कि मक्की को सड़न रोग लगने से बचाया जा सके। जहां तक मैं जिला कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर, ऊना, इन जिलों की अगर मैं बात करूं, जो इस हमारी जो कार्यालय है नॉर्थ जोन का जो ऑफिस है, इसके अंतर्गत ये जो है वो 5 जिलों आते हैं। तो हमारे इन 2 जिलों की, कांगड़ा और मंडी की अगर मैं बात करूं, तो दोनों में जो है वो हमारी धान और मक्की जो है वो मुख्य फसल है। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की जहाँ तक बात है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगभग हमारा जो है वो 36,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो धान की खेती में लोग करते हैं, और ऐसे ही जो जिला मंडी है उसमें भी लगभग 19,000 हेक्टेयर एरिया में जो है वो धान की खेती की जाती है। अभी जो धान की खेती का जो हमारा मुख्य कार्य है खेतों में, वो रोपाई का है। तो मैं जिला कांगड़ा और मंडी की बात करूँ, दोनों जिलों में लगभग जो है वो 70% से ज़्यादा जो रोपाई है हमारी वो हो चुकी है। क्योंकि जिला कांगड़ा जो है वो बड़ा डाइवर्स डिस्ट्रिक्ट है, 400 मीटर से लेके हमारा जो 1300 मीटर की जो हाइट है उस तक जो है वो इस धान की खेती हमारी होती है। तो जो हमारे जिला कांगड़ा का जो निचली जो हमारा जो मैदानी क्षेत्र है, जिसमें इंदौरा है, नूरपुर है, फतेहपुर है, इसमें जो है वो 100% हमारी जो हमारी उसकी रोपाई का कार्य है वो पूरा हो चुका है। जो ऊपर वाले हमारे जो मध्य भाग के जो हमारे ब्लॉक्स हैं, जिसमें हमारा रैत है, नोरटा बगवा है, धर्मशाला है, और ये जो भवारना का ब्लॉक है, इसमें अभी तक जो है वो इसकी जो रोपाई का काम जो है वो चला हुआ है। तो रोपाई के साथ साथ इमीडिएट बात जो है लोगों को मेरी सलाह रहेगी कि एक पहला जो इशू आएगा इनके साथ वो रहेगा हमारा जो हमारे खरपतवार है, बीड्स, उनकी कंट्रोल का। तो मैं किसानों को बताना चाहूँगा कि जो है वो जैसे ही रोपाई का कार्य वो ख़त्म करते हैं, उसके तुरंत 3-4 दिन के अंदर जो है वो जो हमारा खरपतवार है उसकी दवाई, जिसे वूटा क्लोर या मचैटी के नाम से भी जो हमारे किसान हैं वो परिचित हैं, तो वूटा क्लोर जो 50% EC आता है, लगभग 3 लीटर दवाई लेकर के जो है वो 750 लीटर पानी में मिला करके प्रति हेक्टर जो है इसकी जो है वो छिड़काव करें। लेकिन ध्यान रखें कि जब हम इसका छिड़काव करें तो खेतों में जो है वो पानी की मात्रा जो है लगभग 4-5 दिन तक जो है वो उसमें खड़ी रहे, और जो पौधा है हमारा वो लगभग जो है तीन तिहाई जो उसकी जो टोटल हाइट है उसमें जो है वो पानी में जो है वो डूबा रहे, तभी जाकर के जो दवाई है वो असर करेगी। मक्की के जो जितने भी हमारे काम हैं लगभग खेतों में होने वाले जो हैं वो किसानों ने पहले कर दिए हैं। हाँ, इस बार जो बरसात है वो बहुत समय से आई है, पहले ये हम मान के चलें कि 3-4 दिन पहले जो हमारी बरसात का समय है, अपने निर्धारित समय से 4 दिन पहले आई है। तो अच्छी संभावना है कि
कि अगर कोई प्रकोप और ना हुआ तो हमें मक्की और जो हमारी धान की मुख्य फसलें हैं इन दोनों तीनों जिलों की इसमें अच्छी पैदावार होने की संभावना है। तो मैं चाहूँगा कि जो मक्की के संबंधित, क्योंकि आने वाले 4-5 दिनों में जो है वो सरकार द्वारा भी बताया गया है और हमारा मौसम विभाग द्वारा भी इसकी सूचना दी गई है कि जो है वो भारी बारिश आने वाले 4-5 दिनों में हो सकती है, तो उसमें जो पानी जो है वो खेतों में, मक्की के खेतों में खास करके किसान जो हैं उसकी जो पानी की निकासी का जो है वो उचित प्रबंध करें, खेतों में पानी खड़ा ना होने दें, अन्यथा उनमें जो है वो सड़न रोग लगने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है।